लेकिन जितना भी बनाना गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज अपन जा रहे हैं कुंडलपुर, और अभी मैं खड़ा हूँ दमोह स्टेशन पे। कुंडलपुर जाने के लिए ये सबसे पास पड़ता है, और यहाँ से काफ़ी सारी ऐसी ट्रैवलर्स, टैक्सीज, ऑटोज वगैरह ये सब जाते हैं, बट टैक्सी और ऑटो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 1000 तो सब मांग ही रहे हैं। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि कौन सा सबसे सही और चीपेस्ट ऑप्शन है। बाकी कोटा से तो हम रात को ही चल दिए थे, लेकिन मैं ट्रेन में चढ़ते ही सो गया, इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, तो अभी कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, एक ही दिन का टूर है, आज शाम को हम वापस आ जाएंगे, तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं कुंडलपुर मंदिर में, बेसिकली ये इसका कैंपस है। दमोह से काफ़ी सारी बसेस भी चलती हैं कुंडलपुर मंदिर की, लेकिन कोई बोल रहा था आज वो जल्दी निकल गई या आज आई नहीं, तो फिर हम वहाँ पर खड़े थे कैसे जाएं। तो हमें यहाँ पर एक ग्रुप मिल गया, तो उन्होंने एक पूरी ट्रैवलर ही कर रखी थी, तो हम उनके साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया था, ग्रुप के साथ मज़े तो आते हैं, लेकिन उनका अलग ग्रुप था। तो अभी रूम वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर धर्मशाला वगैरह भी हैं, वहाँ पर नहा धो लेंगे, फ्रेश व्रेश हो लेंगे, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। सो गाइस अभी रूम ले लिया है और हम रूम में पहुंच चुके हैं, मैं दिखाता हूं आपको रूम कैसा है। बाकी यहां पे कई सारी धर्मशालाएं हैं, अलग अलग तरीके के रूम हैं, डीलक्स, नॉन डीलक्स, गीज़र, विदाउट गीज़र, टू बेड, सिंगल बेड, ट्रिपल बेड, बहुत सारे अलग अलग तरीके की धर्मशालाएं। तो अभी हमने टू बेड वाला लिया है जिसमें गीज़र वगैरह भी है, मैं दिखाता हूँ रूम कैसा है। तो गाइज ये वाला रूम हमारा है टू बेड्स वाला, यहाँ पे एसी और ऐसे अलमारी वगैरह भी दे रखी है आपको कुछ सामान रखना हो तो। बाकी सिंपल है, बेसिक रूम है ये, यहाँ से खिड़की भी है बट थोड़ी सी गंदी है, तो बाहर का दिखेगा नहीं कुछ। तो ये पूरा यहाँ से व्यू है, अभी बाहर चलेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। सो गाइस फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी चल रहे हैं मंदिरों की तरफ, देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ पे। मंदिर की संख्या भी काफी ज्यादा है जो मैंने सुना है, पर वो बंद रहते हैं लेकिन बस खिड़की से दर्शन। अच्छा, बाकी मंदिर बड़े बाबा का मंदिर खुला रहता है, बाकी मंदिरों में मतलब अभी 11-12 के बाद ताले लग जाते हैं 12 बजे के बाद। तो गाइस फाइनली अभी हमें ये अंकल मिले, तो उन्होंने थोड़ा अच्छे से बताया, टोटल 63 मंदिर हैं यहाँ पे, और ये वाला जो मंदिर है ये सबसे मेन मंदिर है, ये बड़े बाबा का मंदिर जो बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चढ़ाई कर, पहले हम पैदल सोच रहे थे, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो वंदना, जो वंदना का मतलब है सारे मंदिरों के दर्शन करना, तो या तो आप वो पैदल कर सकते हो या फिर आप ऑटो से आ सकते हो। तो हम पहले पैदल करने की सोच रहे थे, लेकिन वो अंकल बोले कि काफ़ी धूप हो चुकी है तो पैदल करना मुश्किल होगा, तो अभी हम बड़े बाबा के यहाँ पे ऑटो से आ गए। और ऑटो के प्राइजेज हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन, वो यहाँ पे बड़े बाबा के मंदिर पे छोड़ता है जो मेन मंदिर है यहाँ का। ये देखो यार, यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशी करी हुई है, कितनी अच्छी कारीगरी है यहाँ पे। ये पूरा मंदिर गाइस बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मतलब अभी खैर बना नहीं है पूरा, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जितना भी बनाया ना गाइस बहुत सुंदर है। तो गाइस ये जो बड़े बाबा का मंदिर है, इधर से ही दो रास्ते जा रहे हैं वंदना के लिए, दोनों साइड के लिए। एक ये जो राइट साइड में है ये वंदना यहाँ से चालू होती है, और लेफ्ट साइड की वंदना इधर से चालू होती है, और दोनों के रास्ते ये बड़े बाबा के मंदिर से ही होकर जा रहे हैं।
और ये बड़े बाबा का मंदिर जैसे मैंने बताया था ये एकदम मिडिल में बीच में। गाइस अभी हम पहले लेफ्ट साइड जा रहे हैं और जैसा अभी हमें वही अंकल बता रहे थे कि 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो अभी हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, कितना कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में तो सारे मंदिर कवर नहीं हो पाएंगे, तो जितना कर सकते हैं उतना ट्राई करेंगे। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया था और एक मंदिर के मंदिर ना के लिए, और यहाँ से व्यू देखो यार, ये जो भी आपको मंदिर दिख रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये पूरी एक साइड की वंदना में काउंट होते हैं, और ये सारे रास्ते एक एक करते हुए फिर हम नीचे पहुँच जाएंगे। गाइस अभी मम्मी पापा आगे वाले मंदिरों में गए हैं और मैं ये दो मंदिर के बाद ही रुक गया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है यार, तो मेरा सर दर्द होने लग गया बहुत तेज़, तो फिर मैं यहीं पर छाया में रुक गया। मम्मी पापा बोले कि हम आगे जाकर आते हैं, तो यहीं पे वेट कर, फिर हम नीचे उतर जाएंगे यहीं से, क्योंकि पूरे मंदिर कवर करना तो बहुत मुश्किल है, 12 बजे सबके गेट बंद हो जाते हैं जैसा मैं बता रहा था। यहाँ पे जैन मंदिर में यहाँ पे भोजनशाला भी होती है खाने वगैरह के लिए, तो वहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है। तो नीचे एक अंकल बता रहे थे कि उसका टाइमिंग 10 से 1:30 बजे तक है, अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30, तो अभी हम नीचे जाएंगे फिर भोजनशाला जाते हैं, कुछ खाएँगे पियेंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 5:15, हम 2 घंटे के लिए आके सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी यार, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए। अभी नीचे थोड़े बहुत मंदिर हैं वो देखने जा रहे हैं, देखते हैं खुले तो नहीं होंगे शायद, बट बाहर से ही जितना दिखेगा उतना कोशिश करेंगे देखें, एंड उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है रात को 11:30 बजे की, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे लगभग 9 बजे के आसपास, देखते हैं उसका भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाने का क्या साधन है वापस स्टेशन। तो गाइज ये भोजनशाला जाने का रास्ता है इस साइड से, और इधर से अंदर आते हैं पूरी वंदना के लिए जाने का रास्ता है, यहाँ पे लिखा भी है यहाँ से पूरी वंदना के लिए जाइए, और ये बड़े बाबा वाले मंदिर के लिए डायरेक्ट जाने का रास्ता है। तो अभी हम ये सारे मंदिर में दर्शन कर रहे थे और अभी आगे चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 6:50 और हमने चेकआउट कर दिया है रूम से, हम देख रहे थे कि क्या साधन है वापस दमोह स्टेशन जाने का, तो यहाँ पे पर्सनल टैक्सीज हैं और बस हैं, इनकी कुंडलपुर मंदिर की भी खुद की बस है लेकिन आज वो ख़राब हो चुकी है तो हम उससे नहीं जा सकते। अभी प्राइवेट बस चल रही हैं जो लास्ट बस है 7:30 बजे, ये 9 बजे तक पहुँचा देगी, उसके बाद हमको फिर 2-3 घंटे स्टेशन पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रेन तो रात को 11:40 की है। सो गाइस फाइनली अभी स्टेशन पहुंच चुके थे और टाइम हो रहा है 9:30, हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम फिर बस से नहीं आए, हमको कोई मिल गया था जिन्होंने हमें लिफ्ट दे दी, बट मतलब उन्होंने ऐसे एक्चुअली एज अ लिफ्ट मतलब वो जा रहे थे, बट थे वो टैक्सी ड्राइवर ही, तो थोड़े बहुत उन्होंने पैसे वगैरह लिए जो लिए, तो अब वेट कर रहे हैं, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा